दोस्तों आपको पुराने दौर की अभिनेत्री पूनम ढिल्लो तो याद ही होगी, जिन्होंने फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से लाखों लोगों का मनोरंजन किया। पूनम ढिल्लो बॉलीवुड की जाने मानी अभिनेत्री रह चुकी है, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी गई। लेकिन दोस्तों आप सब पूनम ढिल्लो के बारे में तो जानते हैं, क्या इनके बेटे के बारे में जानते हो? कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और पूनम ढिल्लो के दमदार अभिनय के लिए वीडियो को लाइक कर दें। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा पूनम ढिल्लो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनका नाम लेते ही लोगों के सामने इनके अभिनय और खूबसूरती की छवि उभर कर सामने आ जाती है। 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में जन्मी पूनम ने मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। एक जमाना ऐसा था जब लोग पूनम की फिल्मों का इंतजार करते रहते थे। इन्होंने करीब 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, अभिनेत्री पूनम का सपना अभिनेत्री बनने का नहीं था, इन्होंने तो इस क्षेत्र के बारे में आने का सोचा तक नहीं था। पूनम को बचपन से बायोलॉजी पसंद थी, ये उसमें दिन रात मेहनत करना चाहती थी, क्योंकि पूनम ढिल्लो का सपना डॉक्टर बनने का था। वो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। डॉक्टर बनने के सपने को अधूरा छोड़ पूनम सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। वो पूरे ध्यान से इस ओर मेहनत कर रही थी, लेकिन शायद गॉड को कुछ और ही मंजूर था और पूनम ढिल्लो को ये दोनों ही ख्वाहिशें अधूरी रह गई। अपनी दोनों अधूरी ख्वाहिशों के बाद ही पूनम ने मनोरंजन की दुनिया की ओर रुख कर लिया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म त्रिशूल से की। इस फिल्म में इनके साथ बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता नजर आए। इस फिल्म को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया, जिसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया जो काफी जबरदस्त हिट भी साबित हुई। ये अपने दौर में सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल थी, जो न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी गई। लेकिन अगर बात करें इनके बेटे की, तो इनके बेटे का नाम अनमोल ठकेरिया है, जिनका जन्म हुआ 1996 में। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की। आपको बता दें, अनमोल बहुत जल्दी बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। रणबीर कपूर और सोनम कपूर जैसे स्टार किड्स को लॉन्च करने के बाद संजय लीला भंसाली अब एक और स्टार किड को लॉन्च करने की तैयारी में है। संजय लीला भंसाली मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो और अशोक ठकेरिया के बेटे अनमोल को एक बड़ी लॉन्चिंग दे रहे हैं। इन्होंने फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू भी कर दी है। हालांकि फिल्म के लीड एक्ट्रेस की तलाश जारी है। इस प्रोजेक्ट के लिए संजय लीला भंसाली ने टी सीरीज से हाथ मिलाया है। हाल ही में पूनम ढिल्लो ने एक टीवी शो के दौरान बेटे के डेब्यू की बात कही थी। पूनम ने कहा था कि मेरी नजरों में लड़कों को 24 साल की उम्र से पहले फिल्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर दिखने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए। किस्मत से मेरे बेटे को अभी से ही कई सारे ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर थोड़ा सिलेक्टिव है। तो दोस्तों, आपको पूनम ढिल्लो के बेटे के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।